वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सत श्रीकाल, नमो उदय जमुने और साथ साथी वाई सुमान अवतार ने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साथियों, आप सब जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाई सुमान अवतार उठाता है। तो साथियों, बहुत जगह चारों तरफ जब गम का अंधेरा हो, जब चारों तरफ चल रहे हों गम, ये गम ही गम चल रहे हैं, उस वक्त एक ऐसे प्रोग्राम भी चलते हैं जहाँ पर खुशी की लहर भी होती है, जहाँ पर विचार साझे हो रहे होते हैं, जहाँ पर लेखक कवि एक साथ मिल करके कुछ कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर किशन टंडन, क्रांति दीप्ति एक डायरेक्टर WCD, इनके नेतृत्व में एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब अपने अपने तरीके से लोग जो है अपनी बात रख रहे हैं। तो हमारे पास रिपोर्ट आई है और दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। जी, हमको सहज रूप से ले जाते हैं। कलमधारी आपको जितना आसानी से चोट पहुंचा सकता है, उतना आसानी से बंदूकधारी नहीं पहुंचा सकता। और इसको मैं नहीं कह रहा, इसको वो डिडली ने कहा, एक वेस्टर्न फिलोसफर थे, उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका पंक्ति। लेकिन मैं अपना एक पंक्ति कर देता हूँ इसी मेरे वक्तव्य में। लगभग मेरा वक्तव्य 6-7 मिनट का होगा। मैं पूर्व निर्धारित वक्ता हूँ। मेरा विषय दिया गया है सामाजिक परिवर्तन में साहित्य और शिक्षा की भूमिका। बहुत गंभीर और समसामयिक विषय है, संक्षेप में उस पर बात करूंगा। ऐसे मैं चाह रहा था कि लगभग 30 मिनट बात करूं, लेकिन मैं 7-8 मिनट में समाप्त करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी माना कि संघर्ष भरा है, किंतु हमें लक्ष्य मिलेगा, जीत होगी, इस अभिलाषा में संघर्ष करते रहना भी मनुष्य की एक विशिष्ट विशेषता होता है। हम कलमकार लोग बहुत पहली नजर रखते हैं समाज पर। सर्वप्रथम हम समाज से सरोकार स्थापित करते हैं अपने आप को, उसके बाद हम कर पाते हैं। आदरणीय साथियों, मैं इसको छूट जाऊंगा बाद में, इसलिए इस क्रांति जी को, और क्रांति जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, ऐसा क्रांति नहीं है, क्रांति इनके नाम में ही जुड़ा है। इनसे जब संवाद हुआ तो डॉक्टर किशन टंडन क्रांति नाम है, क्रांति उनका उपनाम, जैसे मेरा तनय है डॉक्टर प्यारे लाला दिलीप तनय, ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ इनको। मैं साथियों, जब हम सामाजिक परिवर्तन में साहित्य और शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा साहित्यकार हुए, वो धूमिल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा था कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाऊं। तो मुझे लगता है कि जब मानव जगत में हम आचार विचार का आदान प्रदान और व्यवहार की बात करते हैं, तो यह मानव जगत स्वयं साक्षी है कि हमारे इस जगत में परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के तहत असंभव है। परिवर्तन चाहे नकारात्मक हो, परिवर्तन चाहे सकारात्मक हो, परिवर्तन एक नियति है। चूंकि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री यहां पे बैठे हुए हैं, सामाजिक से तात्पर्य सीधा होता है समाज से संबंधित, व्यक्ति भी समाज से संबंधित होता है। तो मैं जिस परिवर्तन की बात करूंगा, वह सामाजिक परिवर्तन भी होगा और व्यक्ति का परिवर्तन भी होगा। सामाजिक परिवर्तन में, परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, तो परिवर्तन दो तरह से होता है। एक नकारात्मक दिशा की ओर प्रवृत्ति होता है समाज, एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होते हुए परिवर्तित होती है समाज। ये हो गया सामाजिक परिवर्तन। अगर हम साहित्य की बात करें, तो साहित्य पर हम आप जितना लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उससे और अधिक भी है साहित्य। साहित्य का कोई छोर नहीं होता, साहित्य किसी परिधि में सिमट कर नहीं रहता। साहित्य ग्रह नक्षत्र तारों और ब्रह्मांडों को भी पार कर जाता है और अपने एक पंक्ति में इस सारे विश्व जगत को समेट भी लेता है। तभी तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, यह देश भारत का भारत है, हिंदुस्तान ने भारत कहलाता है, हिंदुस्तान ने। तो यह भारत विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे बंधु की बात करता है,
तेन तक तेन भुंजिता की बात करता है और अंतिम में सबसे बेहतरीन बात करता है मनखे मन खेल कर। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब विश्व रत्न शिक्षा के दुनिया के 10,000 वर्षों के अग्रदूत, इसको मैं नहीं कह रहा, द सर्वे ऑफ द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स सर्वे ने कहा कि दुनिया के सभी देशों में विगत 10 वर्षों में, ये 10,000 वर्षों हमको अभी तक पढ़ाया गया, दुनिया का सामाजिक परिवेश है 50,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, लेकिन वो 10,000 वर्ष सर्वे कराते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान आदमी कौन कौन लोग हुए, नंबर एक से लेकर 100 तक गिना जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर के स्थान का वर्णन करते हैं 10,000 वर्ष है ना सर्वे किया, ये भारत ही तो है। डॉक्टर अम्बेडकर जब विश्व के विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, पश्चिमी देश के विश्वविद्यालय में, जल्दी जल्दी कह देना चाहता हूँ, आधा घंटा मेरा लेक्चर हो होता, पढ़ते पढ़ते छोटा सा पुस्तक पढ़ लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं गुरु घासीदास बाबा जी से। लेकिन ये धारा कहाँ से आया आप कल्पना करें, गौतम बुद्ध को हम प्रथम आधार स्तंभ के रूप में मानते हैं, हमसे तात्पर्य आप और हम नहीं है, हमसे तात्पर्य भारतवासी है। मुझे एक अद्भुत चीज लगता है, भारत जातियों का अजायब घर कहा गया, भारत ये जाति इतना विनाशक शब्द है, जाति इतना विदूषित शब्द है, प्रदूषित शब्द है, और जाति इतना भयावह शब्द है कि यह किसी का जान भी ले लेता है। इसलिए ये जाति जाति क्यों नहीं, ऐसा भगत गुलेरी लोग कहते हैं। भगत गुलेरी बहुत बड़ा साक्षर है ना, कानून कवित्ता भी है, गीत संगीतकार भी है, और सबसे बड़ी बात कहूं तो बहुत सरल व्यक्तित्व का धनी है, कोई उनसे जाकर मिल सकता है। तो हम इस जाति की बात करते हैं। आदरणीय प्यारे साथियों, मैं मेघराज सिंह अमेरिका से यहाँ पर सभी साथियों को मेरा सत श्री अकाल, और डॉक्टर किशन टंडन क्रांति जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, और मेरी आवाज़ को या मेरे मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक कविता के जरिए आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूंगा, कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा, और इस कविता में 6 बंद हैं, मैंने 6 इशू को टच किए हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। जिंदे इंसान ही कलम से सच लिख सकते हैं, ये जो कविता आप लोग सुनने जा रहे हैं इसमें कलम के ऊपर बात है, कलम की कितनी ताकत है। सच्चे कलमकार ही होते हैं कलम के दीवाने, सच्चाई की लो पर मिटने वाले होते हैं वह परवाने, सच्चाई के सूर्य से वह लगते हैं झूठ के अंधेरे को मिटाने, सच्चाई की आवाज़ से वह लगते हैं लोगों को गफलत की नींद से जगाने। कलम ना होती तो ग्रंथ ना होते, क्योंकि कलम से ही ग्रंथों में सच लिखा है, बाहर सच नहीं है लेकिन कलम से ही लिखा हुआ सच ग्रंथों में टिका है। कलम से ही लिखा हुआ सच इस दुनिया में पुस्तकों के रूप में बिका है, कलम से ही लिखे हुए सच के आगे बड़े से बड़ा शैतान झुका है। कलम की ताकत ही ऐसी है जो दो देशों को मैं युद्ध करवाए, कलम की ताकत ही ऐसी है जो दो देशों के युद्धों को रुकवाए, कलम से ही लिखा हुआ तो अरबों खरबों का हर्जाना भरवाए, कलम से ही लिखी हुई बातों से ही तो अरबों खरबों के हर्जाने से बचाए। कलम की ताकत को रोकने के लिए ही तो शैतान हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, कलम की ताकत को बचाने के लिए ही तो महान लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। कलम की ताकत से ही सच्चे ज्ञान से
लाखों लोगों के जीवन बदल देते हैं। नफरत फैलाने का काम करते हैं झूठे लोग लिखकर, लेकिन सच्चे लोग सच लिखकर प्यार से जीना सिखा देते हैं। कलम अगर शैतान जज के हाथ में हो तो वह बेगुनाहों को फांसी लगवाए। कलम अगर महान जज के हाथ में हो तो वह बेगुनाहों को फांसी से बचाएं। कलम से लिखी हुई बात से ही इंसान करोड़ों डॉलरों की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएं। कलम से लिखी हुई बातों से ही इंसान करोड़ों अरबों खरबों डॉलरों के मालिक बन जाएं। कविता लिख लिख कर कलम से इंसान कवि और लेखक बन जाए। अपने अंदर के ज्ञान को लिख लिख कर वह लाखों लोगों तक पहुंचाए। खुद लिख कर वह कलमकार बने, अपने साथियों को भी कलमकार बनाए। जिस इंसान ने सच लिखा कलम से, उसका नाम दुनिया में चमक जाए। लास्ट बंद है। जो इंसान लिखते हैं लगातार सच्ची बातें, उनके अंदर अनुभवी ज्ञान पैदा हो जाता है। जो ध्यान से पढ़ता है उनके अनुभवी ज्ञान को, वह भी अनुभवी ज्ञान वाला बन जाता है। अनुभवी ज्ञान से ही जलता है ज्ञान का दीपक इंसान के अंदर, जिससे अंदर का ज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। मेघराज सिंह। अनुभवी ज्ञान वाले इंसानों को ही दुनिया में सदियों सदियों तक याद किया जाता है। हमने इसमें लास्ट में लिखा है, वैसे नोट में लिखा है, वैसे तो झूठे इंसान भी लिखना जानते हैं, पर जिंदे इंसान ही सच लिखने की हिम्मत रखते हैं और उनको ही इस दुनिया में सदियों सदियों तक याद किया जाता है। आप लोगों ने मेरी कविता को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर किशन टंडन जी, क्रांति जी को भी मेरा स्पेशल धन्यवाद, उन्होंने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। और मैं हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर जो लोग जिंदे अपने आप को मानते हैं, जो सच्चे और ईमानदार हैं, हम उनको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो अगर आप लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डॉक्टर किशन टंडन जी से ले लीजिए। ये तो सर्टिफिकेट हम उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर सच्चाई ईमानदारी लिखने की हिम्मत हो, उन्हीं को हम जिंदा इंसान मानते हैं। तो सभी साथियों को यहाँ पर ये जो इकट्ठे हुए हैं, सबको स्पेशल धन्यवाद, शुक्रिया सबका, थैंक यू। तो साथियों, आप सभी ने देखा हमारी स्पीच यहाँ पर चली है। हमने 5 मिनट का व 6 मिनट का अपना वीडियो ऑडियो बना भेजा था, तो वो उन्होंने लाइक भी किया, उसको वहाँ पर चलाया भी है लोगों ने। और तो उसमें हमने जो बातें रखी हैं तो आप सभी ने सुनी होंगी। तो ये बातें जो है हमने जो है डॉक्टर किशन टंडन जी से बातें, डॉक्टर किशन टंडन क्रांति जो है इनसे बात की थी हमने, और इनसे बात करने के बाद में हमने वो कविता लिखी। तो कविता में हमने बहुत सारे इसमें इशू टच किए हैं, अलग अलग महकमे को टच किया है। अगर कलम इंसान के हाथ में आ जाए, अगर कलम सच्चे इंसान के हाथ में आ जाए तो कलम से इतिहास लिखा जाता है, अगर कलम झूठे इंसान के हाथ में आ जाए तो कलम से मिथ्यास लिखा जाता है, अगर कलम सच्चे जज के हाथ में आ जाए तो बेगुनाहों को बचा लेते हैं, अगर कलम शैतान जज के हाथ में आ जाए तो बेगुनाह को फांसी लगा देते हैं। तो कलम की ताकत वही होती है जहाँ पर सच होता है, वरना झूठ तो कलम से लिखते हैं झूठे लोग भी, लेकिन हम उनको जिंदा नहीं मानते, उनको मरा मानते हैं। तो हम डॉक्टर किशन टंडन क्रांति जी को स्पेशल धन्यवाद करते हैं, और इनको हमने सर्टिफिकेट भी दिया है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से। जो भी जिंदे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनको हम जिंदा मानते हैं। ये सर्टिफिकेट इसको कोई खरीद नहीं सकता, इसकी वजह से औकात तो 2 कोड़ी की भी नहीं है, लेकिन जो लफ्ज जो शब्द लिखे हैं उसमें, उसका कोई कीमत नहीं है। उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर ये कहे कि इसमें मेरा नाम डाल दे जाए, तो ये किसी के बाप की जागीर नहीं है,
ये सच्चे लोगों की जागीर है, तो सच्चे लोगों को जो सम्मान देते हैं उनको उन्हीं के तो उनको ही देते हैं हम जो इसके लायक है। तो थैंक यू सबका, और डॉक्टर किशन टंडन जी, क्रांति जी का भी स्पेशल धन्यवाद जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जागरूकता वाले काम करते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सभी का, थैंक यू, सत श्री अकाल।